बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 13। जी हाँ, क्लास 8 का ये मेंटल मैथ मैंने लिया है। और बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, मेंटल मैथ काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इसमें से ध्यान से देखें, सीखें और दूसरों को सिखाएं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। देखिए, इट टेक्स 2 आवर्स 4 6 पाइप टू फिल ए टैंक। यहाँ पर लिखा है एक टैंक को भरने में 6 पाइप उससे जोड़े हुए हैं तो 2 घंटे लगते हैं। बच्चों, हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू फिल 10 such tanks if 12 pipes are used। तो उसमें कहा है आगे कि अगर हम 12 पाइप से 10 टैंक को जोड़ दें तो कितने समय में वो भर पाएंगे। ठीक है, आइए इसको करना शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा अजीब है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें, सीखें और दूसरों को सिखाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मैं करने वाला हूँ और सबसे मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया, मैं डायरेक्ट इसकी टेबल बनाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको टेबल बना लेता हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर देखो, इस तरीके से मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, एक तरफ तो मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना, तो टाइम को हम लास्ट में लिखेंगे। एक तरफ मैं लिखता हूँ पाइप यहाँ पर, ठीक है, पाइप कितने हैं, और एक तरफ टैंक लिख लेता हूँ, टैंक कितने होंगे, और एक तरफ लिख लेता हूँ टाइम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है 6 पाइप हैं, 1 टैंक है और टाइम लगता है 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर 2 आवर्स लिख देता हूँ इस तरीके से। अब इसमें पूछा है अगर 12 पाइप हो और 10 टैंक हो, ठीक है, तो कितने टाइम में भरा जाएगा, मान लीजिए वो एक्स आवर्स में फील होगा। ठीक है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट एक्स आवर्स में वो फील होगा। तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेट इट टेक्स एक्स आवर्स, ठीक है बच्चों, 4 12 pipes टू, यहाँ पर मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, टू फील 10 टैंक्स। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब ध्यान से देखना है। देखो पहले 6 पाइप थे, 2 और लगते थे, आप कितने हो गए, 12 पाइप। ठीक है, अगर 12 पाइप यानी मोर पाइप हो गए, मोर पाइप। अब ज़्यादा पाइप है तो बच्चों टाइम कम लगेगा, तो लेस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना है कि दोनों क्वांटिटी जो है वो बढ़ नहीं रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है, क्या हो जाती है, हाँ जी, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवर्स, ठीक है, प्रोपोर्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं, सॉरी POR, इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। तो कहने का मतलब है हम इसको क्या करेंगे, उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे रेशो, पहले तो लिखते थे 6:12, अब हम लिखेंगे 12:6, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अब देखो एक टैंक को भरने में 2 आवर लगते हैं, ठीक है, और एक टैंक की बजाय 10 टैंक आ जाए, 10, तो 10 टैंक को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मोर टैंक हो गए तो मोर टाइम, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोर टैंक, मोर टाइम। तो बच्चों ये हो गया यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इस तरीके से। थोड़ा सा शॉर्ट मैं लिख रहा हूँ, मैं इस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम इसको क्या करने वाले, डायरेक्ट लिखेंगे यानी 1:10, इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से बना के, ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे बना लेना, और इसको भी डायरेक्ट लिखना 2:x। अब हमें करना क्या है, ये जो इंटरनल टर्म है इनको अलग मल्टीप्लाई करना है और एक्सटर्नल को अलग। आइए एक्सटर्नल को कर लेते हैं 12 × 1 × x, और यहाँ पर 6 × 10 × 2।
अब यहाँ पर वन की तो कोई वैल्यू, वन से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए वन को हटा देते हैं या 12 वन जा 12 कर देते हैं। 12 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12 और 2 से 2 डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर बचा x इक्वल 10। ठीक है बच्चों, तो 10 आवर लगेंगे यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया है। हालांकि मेंटल मैथ में जो आंसर दिया हुआ है वो क्या है, वो रोंग आंसर दिया हुआ है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो 10 आंसर इज ए करेक्ट आंसर, तो ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।